साल तक ये इसके अलग ना समझिएगा, अभी छोटे हैं, 12 महीने हुए इसके लगाए, और 12 महीने का और हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा तब ये फूल देने लग जाएगा। फल देने शुरू नहीं हुए, शायद अगले साल तक ये इसके अलग ना समझ जाएगा, अभी छोटे हैं, 12 महीने हुए इसके लगाए, और 12 महीने का और हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा तब ये फल देने लग जाएगा। दोस्तों ये टापी यानी झोपड़ा जो खेत के अंदर बनाया जाता है रहने के लिए, ये पास में शीशम का पेड़ खड़ा है, और इसके अंदर हमारा सामान रखा हुआ है। अभी आपको इसके अंदर का दृश्य दिखाएंगे, चलो अब इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का अभी आपको जो झोपड़े के अंदर का दृश्य दिखाया जाएगा। अभी अंदर आ गए हमें, ये चारपाई पड़ी है, और ये बाल्टियाँ, डब्बा, और ये मशीन, कपड़े लते, ये चारपाई है, ये सामान है, ये कपड़ा है, और ये बाटी, टोपिया, लोटा, तबला, और चाय छानने का जरिया पड़ा है। ये अंदर का दृश्य है टापी के, यानी झोपड़े के अंदर का दृश्य आपको एक अजीब ही निराला अंदाज है इनका। बारिश के अंदर ये बहुत ही शानदार है, कभी इसके अंदर बारिश नहीं लगती, सर्दियों के अंदर गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। इसका बहुत ही शानदार बनाया गया है, इसके छत देखो इसकी कितनी गजब बनाई गई है। ये हमारे देश के अंदर राजस्थान में ऐसे ही झोपड़े बनाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी भाइयों को। भाइयों ये सामने पड़ा है, ये कौन कौन जानता है ये कमेंट कर बताएं हमें, और इसका कौन कौन यूज करता है, क्या काम आता है, ये किस किस एरिए के अंदर है, ये हमें कमेंट कर बताएं। ये दोस्तों खाला है, ये इधर से आ रहा है, ये हमारे खेत के बीचों बीच से है, इसके अंदर पानी आता है नहर से, तो पानी लगाते हैं इसका, यहाँ पर सिंचाई की जाती है इस खाले से। ये हमारे खेत के बीचों बीच है, और ये पानी पीने का टैंक है दोस्तों, आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये पानी पीने का टैंक, ये टैंक बनाया गया है दोस्तों, इसके अंदर पानी है, पानी की जब किल्लत आ जाती है तब यहाँ पर बाहर से मंगाया जाता है, और इस पर पानी का स्टॉक किया जाता है, पानी पीने के काम आता है इसका। यहाँ पर ये रास्ता जा रहा है, तब यहाँ पर कोई राई गिरी आता है रास्ते के ऊपर, कोई अपना वाहन लेकर, तो वो भी इसमें पानी पीता है, और ये हमारे खेत के चारों ओर का दृश्य है, आपको अभी दिखा रहा हूँ। वहाँ पर बिजाई हो रही है ग्वार की, इधर वो पड़ोस अंदर पड़ोसी है का खेत है, वहाँ पर मकान बनाया हुआ है। चलो दोस्तों अब हमारे फर्स्ट ब्लॉग के अंदर आप लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों मुझे पसंद करें, तो मैं आपको ऐसे नए नए ब्लॉग और ला कर दिखाता रहूँगा। हमारे एरिए, हमारे खेत का दृश्य, हमारे गांव का दृश्य, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, खान पान आदि के बारे में आपको दिखाता रहूँगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें।